Today we are going to discuss increasing and decreasing power. So increasing and decreasing function. Okay. Suppose that we have a function y is equal to fx. So एक function है y is equal to fx. और इसको मैंने x axis as a y axis पे लाके इसको place कर दिया. Like this. Close भी हो सकता है, open interval भी हो सकता है. ठीक है ना, इंटरवल कुछ भी हो सकता है. तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले रूल्स ने बोला था, फर्स्ट मैथमेटिकल रूल्स बताया था ना, कि रूल्स ने कहा था इन ईच एंड एवरी फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू जीरो. यानी एट दिस स्टेज इफ वी ड्रॉ अ लाइन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. और उसने उस पॉइंट के लिए वर्ड यूज किया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. दीज आर नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये सबसे पहले मिस्टर रूल्स ने कह दिया. तुमको पॉइंट्स पता चल गए थे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, डीवाई अपॉन डीएक्स जीरो हो जाए. तो बोला गया था कि एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाएगी लाइन, यानी एक लाइन टच टू द कर्व दैट इज अ टेंजेंट. इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू जीरो. लेकिन अभी तक हमने कुछ किसी भी कर्व के ऐसे सेगमेंट का डिस्कशन नहीं किया कि वेयर फंक्शन इज ऑलवेज मूविंग. जैसे इस वाले को मैं बात करूं या इस वाले सेक्शन की बात करूं, तो ऐसे सेक्शंस डिस्कस करने हैं कि जहां फंक्शन आपका लगातार कंटिन्यूस इंक्रीज करे या कंटिन्यूस डिक्रीज कर जाए. फर्स्ट केस डिस्कस किया जैसे y इक्वल टू fx से यानी dy अपॉन dx दैट इज योर f डैश x. ये अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करता लाइक दिस वन, धीरे धीरे बढ़ता है, फर्स्ट केस. सेकेंड केस पॉसिबल क्या है? If dy upon dx gradually decrease. The third case अभी हमने क्या discuss किया? कि जो dy upon dx है equal to zero. ठीक है ना? ये चीजें discuss. In this chapter, first and second points are most important for us. कि ऐसे function जिसका derivative धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला जाता है, gradually increase करता है. सपोज इस सेगमेंट पे इंक्रीज करा दे रही है, उसका डीवाई अपॉन डीएक्स इंक्रीज करता जा रहा है. तो दिस फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज द इंक्रीजिंग इन नेचर. यानी वो अपने नेचर कैसा होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज का बिहेवियर शो करता है. दे आर नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड सेकेंड थिंग, अगर इस इंटरवल की बात करें, इन दिस वन इंटरवल, सपोज डीवाई अपॉन डीएक्स ग्रेजुअली डिक्रीज है, धीरे धीरे लेस देन और लास्ट में जीरो हो जाए. जीरो केस तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल में और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में, कि वहां पे डीवाई अपॉन डीएक्स जीरो हो जाता था. तो ऐसे फंक्शन जहां पे डीवाई अपॉन डीएक्स ग्रेजुअली डिक्रीज करता है दैट इज डीवाई अपॉन डीएक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, दे आर नोन एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. और जिस सेगमेंट पे करते हैं वो उस सेगमेंट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेगमेंट फंक्शन बोलते हैं. राइट, सो दीज आर द कांसेप्ट ऑफ सम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. और जो नेचर है, जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दैट इज व्हाट, मोनोटोनिक फंक्शन. मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन. तो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं फंक्शन, तो यहां तो फंक्शन के कई टाइप बन गए. फंक्शन की जहां बात करूंगा एफएक्स के लिए, तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल हो सकता है. फंक्शन आपका पॉलिनोमियल हो सकता है. सेकेंड वन, फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है. नेक्स्ट, फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक वे में जा सकता है. राइट, फंक्शन मतलब या तो पॉलिनोमियल होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, या इनके मिक्सचर्स होंगे. ठीक, इनको हम डिस्कस करेंगे आवर इन दिस चैप्टर कि वेयर द इंटरवल where this function is increasing or decreasing. कहाँ कहाँ ये increase करते हैं, कहाँ कहाँ decrease होते हैं, या where we have to prove that this function is increasing and this function is decreasing.
यहाँ आपका इनइक्वालिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे ए ग्रेटर देन बी है, सपोज दैट इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस साइन देन माइनस ए लेस देन बी, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है योर इनइक्वालिटी विल बी रिवर्ट। ठीक है, नाउ इसको मैं टाइप वाइज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कोई एक्स का कोई फंक्शन ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल योर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक, दिस वन एंड दे आर सेइंग फाइंड द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएट करें, 3 टू जा 6 6 एक्स स्क्वायर, 9 टू जा 18 18x प्लस 12। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट कर लिया, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, क्या आया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब आपने कंडीशन लगाई फॉर, जैसे मैं तो ये लिख रहा हूं, ये मेरा अपना सिंबॉलिक है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मेरा अपना सिंबल है, दिस फॉर इंक्रीजिंग व्हाट वी हैव टू डू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अभी आपने बताया था जो इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर ली तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन जीरो, वो वैल्यू ग्रेटर देन आपकी जीरो होगी। लेकिन 6 ऐसे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो फैक्टर 2 जब इसके और समेशन ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1, इसके फैक्टर आगे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट एफ डैश एक्स को जीरो करना होगा, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तब जीरो कर लेंगे एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका, दैट इज यू विल गेट द वैल्यू एक्स इक्वल टू टू एंड वन, ये दो वैल्यू आ जाएंगे एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू वन। ठीक, तो वन एंड टू आ गए। अब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी यहां से लिख रहा हूं मैं एंड देयर योर प्लस इंफिनिटी। ठीक, वैल्यू क्या क्या है, एक आई टू एक आई वन, तो टू ये हो गई वन ये। ठीक, अब हम सीधे डिस्कशन करेंगे, ये हमारा हो गया टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स वाला फंक्शन। तो मैं सबसे पहले 2 और इनफिनिटी के बीच कोई नंबर लेता हूँ, इन बिटवीन 2 टू इनफिनिटी, सपोज 10 जैसे आया, सपोज 10, 2 इनफिनिटी कोई नंबर ले लें, 10 में से ले रहा हूँ, जैसे आपके कैलकुलेशन इजी हो जाए, आप 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 10 यहाँ पुट करूंगा तो 10 स्क्वायर 100 इंटू 6 दैट इज 600, ये 180 प्लस 12, यानी ओवरऑल साइन कैसा आएगा, साइन आएगा आपका पॉजिटिव, यानी इन दिस वन इंटरवल आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं कर्वी स्ट्रक्चर। जब आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में तो आपका माइनस साइन आ जाएगा, वन और टू के बीच में कुछ भी डालेंगे यहाँ पे, वन और टू के बीच में, जैसे वन बाई वन और टू के बीच में क्या आ गया 1.5 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और वन और इन्फिनिटी की माइनस के बीच में डाले तो फिर से ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव आ जाएगा, वन टू माइनस इन्फिनिटी, वन टू माइनस इन्फिनिटी डालेंगे जैसे जीरो, जीरो पुट किया आंसर क्या आ गया, देखो 12, दिस इज योर पॉजिटिव। सो वी कैन से ये दो जगह आपके पॉजिटिव आ गए, तो इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफिनिटी से लेके वन, एक से ज्यादा साइन है तो यूनियन लगाते हैं, ऑलरेडी यू नो टू से इनफिनिटी, दिस इज द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग का होगा 1,2 नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, राइट इस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा और इस पॉइंट पे ये डिक्रीज करेगा। This part is clear? Sir. Yes. Sir, please wait 1 minute. Don't. Why? What happened? Sir, 1 minute ruk jaiye, ab mat kariye. 1 minute. Screen is visible. Theek se dikh rahi screen, Akshita?
इन दिस वन इंटरवल पॉजिटिव, इन दिस वन इंटरवल इज नेगेटिव. लिखना था तो मैं कैल सबको लिख लिया मैंने. ठीक ठीक आप नोट कर ले. नोट सर कर लिया, आप कर दीजिए. ठीक, तो ये तो एक पार्ट हुआ आपको. बट इन सीबीएसई दे आर आस्किंग यू शुड मेक ए टेबल. इसके बाद आपको एक टेबल भी बनानी होगी. अब आपका बनेगा इसके बाद क्या, इसके नीचे बनेगा टेबल. अब देखो टेबल कैसे बना रहा हूं मैं, इस स्पेस से बनाता हूं टेबल. तो टेबल के लिए पहले आपको इस तरह से ब्लॉक बनाना पड़ेगा ऐसे. ठीक, ये हेडिंग आएगी आपकी यहां पे इंटरवल. ये लिख दिया आपने इंटरवल. फिर ये आ जाएगा एस आई जी एन साइन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स. ये पॉजिटिव लेटर. फिर यहां आ जाएगा नेचर, नेचर ऑफ द फंक्शन. इंटरवल क्या है, माइनस इनफिनिटी से वन. तो देखा आपने माइनस इनफिनिटी से वन. कैसा नेचर है, पॉजिटिव है. तो फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है. फिर वन से टू कैसा है, माइनस. तो फंक्शन का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग है. फिर टू से इंफिनिटी कैसा साइन है, पॉजिटिव. तो फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग. ये लास्ट में बनेगी आपकी टेबल. क्लियर? सो व्हाट अवर क्वेश्चन इज, अवर क्वेश्चन इज दिस इज योर एफ एक्स. दे आर आस्किंग फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द एफ डैश एक्स. इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स आ गया. उसको फिर मैंने कंडीशन लगाई फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो. जीरो करके इसको इक्वल कर लिया, पॉइंट्स आ गए वन और टू. नंबर लाइन में प्लॉट किया माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में आपका पॉलीनोमियल फंक्शन है. तो पहले टू आया फिर वन आया. टू और इनफिनिटी के बीच में कोई नंबर लेके यहाँ पुट किया तो साइन आ गया पॉजिटिव. फिर वन और टू के बीच में कोई नंबर लेके यहाँ पुट किया तो साइन आया निगेटिव. फिर वन और इनफिनिटी के बीच में यहाँ पुट किया साइन, अगेन आ गया पॉजिटिव. तो दो पॉजिटिव में इंक्रीजिंग आ गया, इस सारे नेगेटिव में फंक्शन हमारा हो गया डिक्रीजिंग. दिस इज योर टाइप नंबर वन प्रॉब्लम. राइट, टुडे व्हाट वी आर स्टार्टिंग, टुडे व्हाट वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन एनसीईआरटी. देन योर सिलेबस इज व्हाट, दिस इज योर 6.2 एक्सरसाइज आई थिंक. ठीक, होपफुली ये लाइन आप ये पार्ट में लिख लिया होगा. ये मैंने भी टाइप वन किया एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लिख. अब इसी टाइप वन में देखते हैं ध्यान से. सपोज दैट एफ डैश एक्स के आगे मेरा नेगेटिव साइन आ जाए. सपोज फॉर एग्जांपल एफ एक्स आ गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 15. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे. ये आया माइनस टू एक्स माइनस टू. ठीक, नाउ फिर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन इज व्हाट, फॉर इंक्रीजिंग क्या कंडीशन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो. वैल्यू पुट करें माइनस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो. लेट करके जीरो करें पॉइंट निकालने के लिए. लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो. तो माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. ओ आर और माइनस टू एक्स इक्वल टू टू. तो एक्स इक्वल टू आया माइनस वन. एक्स आया पॉइंट आपके पास माइनस वन. ठीक, अब मैं लेता हूं नंबर लाइन माइनस इनफिनिटी, ये रहा प्लस इनफिनिटी. आंसर क्या आया था, माइनस वन को आपने यहां पुट कर लिया. अब आपने ये टेक्निकल क्वेश्चन है वन पॉइंट देखा. हियर इज व्हाट माइनस, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं ऐसे तो ये प्लस हो जाएगा बीच में. और ये जब माइनस है इधर आएगा तो ग्रेटर देन को क्या कर देगा, लेस देन कर लेगा. तो अवर ओवरऑल और पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रिवर्ट. हमारा पूरा क्वेश्चन रिवर्ट हो जाएगा. अदरवाइज अगर माइनस ना होता तो यहाँ मैं प्लस लगा देता, यहाँ माइनस लगा देता. यानी इस वाले सेक्शन में फंक्शन इंक्रीज करता, यहाँ डिक्रीज करता. लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन माइनस साइन, तो अब इस वाले में इंटरवल में इस वाले में ऐसे करके ऊपर उठना शुरू होगा. ठीक है, और फिर यहाँ ऊपर उठना शुरू होगा, कुछ ऐसे डाउनफॉल होगा. तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा.
मतलब जो इंक्रीजिंग होगा वो कहां से कहां तक होगा, ये होगा इंक्रीजिंग पार्ट, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, और डिक्रीजिंग कहां होगा, डिक्रीजिंग होगा माइनस वन से इंफिनिटी। ठीक, इस माइनस की वजह से पूरा आपका पिक्चर रिवर्ट हो गया। सो दिस इज योर टाइप नंबर टू। अगर एफ डैश एक्स में कभी माइनस आ जाए सो बी अलर्ट, अलर्ट रहे, क्योंकि साइन विल बी चेंज, साइन उसके आपके चेंज हो जाएंगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कभी भी अगर माइनस साइन मेरा अगर आ जाता है डिफरेंशिएशन करते समय, यानी एफ डैश एक्स में माइनस साइन अपीयर होगा, तो ओवरऑल इनइक्वालिटी विल बी रिवर्ट, इनइक्वालिटी आपकी रिवर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दिस वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं डिस्कस कर रहा था, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ ध्यान देना है क्योंकि यहाँ आपका एएसटीसी आएगा आपको डिस्टर्ब करने, तो उससे आपको अलर्ट रहना, वहां से कोई वैल्यू डाइवर्ट ना हो जाए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे लिया मैंने एफ एक्स लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उनके लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मैं चेक कर रहा हूँ जीरो से पाई के बीच, इंटरवल भी दे दिया मैंने जीरो से पाई। अब बताइए कहाँ का इंक्रीज है कहाँ का डिक्रीज है, राइट? तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एफ डैश एक्स, साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हुआ साइन एक्स, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन का। ठीक है, अब लगाइए कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग, क्या कंडीशन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब लेट करा एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, शिफ्ट करके टेन एक्स आ जाएगा वन, तो एक्स की पहली वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट आई फाइव बाई फोर, लेकिन हमें जाना है वी आर मूविंग फ्रॉम जीरो टू पाई, पाई बाई फोर तो आपका इधर आया, दिस इज योर पाई बाई फोर, ये होगा सेकेंड पाई बाई फोर, दिस इज योर थर्ड पाई बाई फोर, ये भी तो होगा ना। चेक करने हैं कि वेयर वी आर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये x इक्वल टू पाई बाय 4 तो आ गया जब जीरो किया था। अब मैं इंटरवल देखूं जीरो पाई के बीच में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पहला तो ये पाई बाय 4 होगा, दूसरा आ गया आपके पास 3 टाइम्स पाई बाय 4, फर्स्ट इज पाई बाय 4, सेकंड वन इज 3 पाई बाय 4, इंटरवल कहां से कहां तक लेंगे, आपको दिया है जीरो से पाई, फर्स्ट मिला आपको पाई बाय 4, फिर मिला आपको 3 पाई बाय 4, देखते हैं 0 और पाई बाय 4 के बीच में, तो इसके बीच में कोई वैल्यू लेके कहां पुट कर देंगे, हियर ये एफ डैश एक्स इस वाले में 0 और पाई बाय 4 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे 0 पाई के 30 लिया मैंने, तो 30 डिग्री पुट करता हूं यहां पे, cos 30 माइनस sin 30, cos 30 कितना होता है √3/2, और ये कितना होगा 1/2, पॉजिटिव आ गया तो साइन होगा आपका पॉजिटिव, पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर ऑटोमेटिक अब नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो इंक्रीजिंग के इंटरवल होंगे जीरो से पाई बाय फोर यूनियन थ्री पाई बाय फोर से पाई, डिक्रीजिंग होगा पाई बाय फोर से आपका थ्री पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से थ्री टाइम्स पाई बाय फोर, यहाँ पे ये फंक्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल की फॉर्मेशन करनी है, राइट? टू और थ्री मिनट देता हूँ, आप फटाफट इसको नोट करके टेबल भी बनाए। टेबल का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बनाना है आपको।